सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल पसरस। एंड आज मैं फिर से एक बार चांदनी चौक आया हूँ, दिगंबर जैन मंदिर जो कि चांदनी चौक में सिचुएटेड है, स्थापित है, जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि बिल्कुल लाल किले के सामने बनाया गया है, जो कि अपनी खूबसूरती से जाना जाता है। इसकी खूबसूरती मैं अभी अंदर दिखाऊंगा आपको, और बहुत ही प्यारा व्यू है, और उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो मज़ा आया एकदम। तो चलेंगे अभी अंदर, देखिए पहले यहाँ से कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। तो पहले मैंने बाहर से ही इसकी पूरा इसको कैप्चर किया, देखिए यहाँ से ही इसका साइड में एक दरवाजा है, यहाँ से हम अंदर आ गए। ये देखिए, तो यहाँ से हमारा टेम्पल शुरू होता है, दिगंबर जैन टेम्पल, देश के सबसे बड़े जैन मंदिर में से एक मंदिर का निर्माण मुगल काल के दौरान तत्कालीन किया गया था। ये 16वीं शताब्दी में निर्माण किया गया था। ये बहुत ही सबसे जैन मंदिरों में जो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, उनमें से एक है जो कि बहुत फेमस है। इसकी हिस्ट्री अपने आप में एक खूबसूरती को दर्शाता है। अभी मैं अंदर से दिखाऊंगा इसकी आर्ट, 800-900 साल पुराना आर्ट, इसका क्या गजब का आर्ट है, देखूंगा मैं भी और आप भी देखेंगे। मुगल बादशाह शाहजहां के दौर के फौजी अफसर ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। इस मंदिर को शुरू में खेती के कूचे का मंदिर और लश्करी का मंदिर भी कहा जाता था, और कहा जाता है कि कुछ लोग उर्दू बाजार में होने के कारण इस मंदिर को उर्दू मंदिर भी कहते थे, उर्दू टेंपल भी कहते थे। उस टाइम मुगल का राज था, मंदिर के स्थान पर पहले मुगल के सैनिक की छावनी हुआ करती थी, और सेना के एक जैन अधिकारी के दर्शन के लिए यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा रखी थी। तो चलेंगे अभी अंदर, ये देखिए पहले यहाँ से आप 800-900 साल पुराना आर्ट, जो आज भी ये सामने ही एक पशुओं का एक बहुत अच्छा है, उस टाइम तो बंद था, मैं देख नहीं पाया, लेकिन कहते हैं कि बहुत खूबसूरत है। और यहाँ से ही हमारी एंट्री होती है अंदर के टेम्पल की। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर बिल्कुल भी फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है, तो मैंने पता नहीं कैसे ले ली फोटो में, तो मैंने कहा चलो कोशिश करेंगे। तो यहाँ अब हम अंदर आ गए, ये देखिए यहाँ की आर्ट, क्या खूबसूरत तरीके से, बहुत ही पीसफुल प्लेस पे, बहुत अच्छा लगेगा। और जब भी अगर आप आए तो 15-20 मिनट यहाँ पे बैठे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत साइलेंट और बहुत ही पीसफुल प्लेस है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं पहली बार देख रहा हूँ जैन मंदिर, क्योंकि मैं पहले कभी गया नहीं, मैंने देखा कि आज जाऊँगा तो देखूँगा कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो मैंने वहाँ देखा, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस भव्य मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया, ये तो आपको शायद पता ही होगा, या आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे गूगल पे। मैं ज़्यादा हिस्ट्री इसमें नहीं बता पाऊंगा, तो मेरा एक छोटा सा वीडियो में, क्योंकि आपको भी पता है एक छोटे से वीडियो में सारी हिस्ट्री बताई नहीं जा सकती। अगर आप डीपली इसकी हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो आप गूगल को सर्च कर सकते हैं, बाकी फिर भी मैं थोड़ी सी एक जो मेरे को जानकारी है उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। यह मंदिर 23वें तीर्थकार भगवान पार्श्वनाथ के समर्पित है। 8 वेदियों वाले इस मंदिर में सबसे प्राचीन वेदी पर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित है। यहाँ जब आप जाएंगे तो देखेंगे, देखो बाहर की खूबसूरती, बहुत खूबसूरत आर्ट है। मंदिर में चारों दिशा की ओर मुंह के लिए मूर्तियां स्थापित हैं, जब आप अंदर जाके देखेंगे बहुत शानदार है। यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान आदित्यनाथ की मूर्ति भी स्थापित है, जब देखिएगा जरूर जब आप अंदर जाएंगे। यहाँ से आप ये सारी खूबसूरती देख ही सकते हैं, मैंने पूरे तरीके से आपको पूरा दिखाने की कोशिश करी, अंदर से भी मैंने आपको दिखाया, बहुत खूबसूरत टेम्पल बना हुआ है, बहुत ही अच्छा व्यू है इसका, जब आप बाहर से देखेंगे बिल्कुल रेड फोर्ट के सामने इसका व्यू है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसको मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है, मैं भी पहली बार आया, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। सो इस वीडियो का एंड करते हुए, दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, गुड बाय।